हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल से। बहुत दिनों से वीडियो बना नहीं पा रहा था क्योंकि मैं व्यस्त था, तो सोचा कि आज समय मिला है थोड़ा सा वीडियो बना लूँ। तो ये अभी मुझे है ना मेन कैनाल से उठा के सीधा माइनरों का चार्ज दे दिया गया है। आज के बाद से मैं सारे वीडियो जो मैं बनाऊँगा माइनरों के बनाऊँगा। ये हमारा माइनरों का अर्थवक्त चालू है, तो अभी मेन कैनाल में बहुत सारे लोग लग गए हैं। माइनरों में अभी कोई था नहीं, तो इसलिए मुझे चार्ज दे दिया, मतलब मुझे चार्ज दे दिया है। तो आज के बाद से मैं माइनर में ही ध्यान दूंगा। तो ये अभी देखिए हमारी माइनर की ड्रेसिंग वगैरह हो गई है बढ़िया से। ये अभी इसमें थोड़ा सा और वाटरिंग करना है, फिर उसके बाद कॉम्पेक्शन करेंगे हम लोग। ये हमारी लेवर सब लगी हुई है, देखिए किस तरह से फिनिशिंग चल रहा है हम लोगों का काम का। और आगे हमारा एक्सकेवेटर भी लगा हुआ, सॉरी एक्सकेवेटर बोल रहा, जेसीबी लगी हुई है। तो जेसीबी भी हमारी काम कर रही है। इस तरह से देखिए धागा लगा के सुलभ बना के बेड की प्रिपरेशन करते जा रहे हैं हम लोग। तो इस तरह से कुछ हमारा काम चल रहा है, उम्मीद करूँगा कि मैं और काम अच्छा चलते रहे। तो ये हमारा मैनुअल कॉम्पेक्शन चल रहा है। हमारे पास ये जो हाथ से बना हुआ कॉम्पेक्टर है इसे कर रहा है, क्योंकि इसका कोई रोलर वोलर आता नहीं है हमारे पास, वैसे उपलब्ध नहीं है। और वैसे इतना छोटा रोलर भी नहीं आता, इसलिए हम मैनुअल कॉम्पेक्शन कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा इसको हम लोग ऐसे मैनुअली ठोक देंगे, उसके बाद इसमें वाटिंग करवाएंगे। वाटिंग करने के बाद छोड़ देंगे इसको एटलीस्ट 4-5 घंटे के लिए। 4-5 घंटे के बाद वापस थोड़ा सा जिसमें जब ड्राई हो जाएगा तो कॉम्पेक्शन करेंगे। तो इस तरह से हमारे सारे लेवर्स लगे हुए हैं और ये हमारा सेक्शन रेडी होते जा रहा है। तो बस देखते हैं कितना का काम हो पाता है। आज एटलीस्ट इन्होंने 100 मीटर के आसपास चाल प्रिपरेशन कर ली है, तो कल हम इस स्लीपर कास्टिंग करना बताएंगे आपको। तो कल देखते हैं स्लीपर कास्ट कर पाते कि नहीं पाते। और आगे हमारी जेसीबी लगी हुई है, तो जेसीबी जो कटिंग पर लगी हुई है, तो देखते हैं आगे जेसीबी कितने का काम कर रही है। तो जे की कटिंग चालू है, ये सेक्शन गलत कट गया था तो वापस से इसको कटवा रहे हैं हमारे। असल में ये काम हम लोगों ने किसी थर्ड पार्टी को दिया है, तो ये उनके इंजीनियर कटिंग करवा रहे हैं इस टाइप से। तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसको सही कटिंग करवा रहे हैं हम लोग। ये जो माइनर है हमने किसी को दे दिया है काम सबलेट पे, तो ये सबलेट कॉन्ट्रेक्टर काम कर रहा है हमारा। तो इस तरह से ये कटिंग चालू है, तो देखिए कितना का काम होता है। और मेरे आने वाली वीडियो अब माइनर के ऊपर ही रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए इसमें क्या कमी बेसी है। तो मैं कमेंट करके बताइए इसमें क्या कमी है, तो मैं डेफिनेटली इसमें सुधार करूँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।